रहने वाले हर एक शख्स का कोई ना कोई सपना जरूर होता है, लेकिन कई बार लोग तंगी हालातों की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। मजबूरन इंसान अपने सपने को छोड़कर जिंदगी चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में लगा रहता है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हारते नहीं हैं और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश जरूर करते हैं। असम के जोरहाट जिले के बोरगांव के रहने वाले मोहम्मद सैदुल हक ने भी ऐसा ही कर दिखाया है। सैदुल एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, लेकिन उनका सपना था एक स्कूटर लेने का, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने 5 से 6 साल लगातार पैसे इकट्ठा किया और अब जाकर उन्होंने अपने सपने को पूरा कर दिखाया है। बता दें, मोहम्मद सैदुल हक 1, 2, 5 और 10 के सिक्के इकट्ठे कर 90,000 रुपए के करीब पैसे देकर स्कूटर खरीदा। शोरूम के मालिक भी पहली बार ऐसे कस्टमर को देखकर काफी खुश हुए। तो मेरा एग्जीक्यूटिव भी आके मेरे को बोले हैं कि वो 10 के 20 के 1 के कॉइन्स लेके आए हैं, तो मेरे को भी बहुत खुशी हुआ कि ऐसा कुछ कस्टमर आते हैं साल में एक बार या कभी अंदाज। मैं भी कभी कभी पेपर में पढ़ता हूँ, टीवी में देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज कि ऐसे कस्टमर मेरे डीलर में भी आए लेने के लिए, और मैं भी बहुत खुश हूँ। और मेरे साथ भी आज 2 व्हीलर लिए, कल वो 4 व्हीलर भी ले। वाकई अपने सपनों को पूरा करने का ऐसा तरीका कोई मोहम्मद सैदुल हक से सीखे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल।